आपसे बात कर। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान ने कल शानदार चार दिन कंप्लीट करके आज पांचवें दिन में एंट्री मार ली है और जो ग्रोथ कर रही है दिन पर दिन, भाई इसे रोकने वाला कोई दिख नहीं रहा है इसके आसपास। जिस स्पीड से ये आगे बढ़ रही है इतनी तो उम्मीद ही नहीं करी थी। बस ये सोचा था कि चलो पठान से थोड़ा ज़्यादा कमाई कर ले जाएगी, जैसे पठान आई थी जवान भी चले जाएगी और कहानी ख़त्म। लेकिन पठान को हर दिन ये कहीं पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है, सिर्फ छोटे मोटे नंबर से नहीं, ऐसे 18 या 20 का जो नॉर्मल आंकड़ा होता है लगभग यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, 15 से 25 का आंकड़ा, इतना अंतर देखने को मिल रहा है। जी दोस्तों, कल संडे था और ऐसी तबाही इसने मचाई है। आज तक किसी भी संडे में हमने बॉलीवुड की मूवी को ऐसे ग्रोथ करते नहीं देखा था, हिंदी मूवी की तरफ से नहीं मिला थी ऐसी ग्रोथ देखने को। बाय गॉड, क्योंकि जब फर्स्ट डे हिंदी से 65.5 करोड़ का कलेक्शन किया था, सभी ने सोचा था कि इससे ऊपर आंकड़ा नहीं जाएगा। मैंने खुद सोचा था कि ये मोस्ट इनफ आंकड़ा है, लेकिन थर्ड डे का जब ऑफिशियल आंकड़ा आया फर्स्ट सैटरडे का, तो 68 करोड़ के आसपास कलेक्शन करा था मूवी ने सिर्फ हिंदी से। सभी के होश उड़ गए थे क्योंकि हिंदी से कभी भी आज तक हिस्ट्री में इतनी ह्यूज कलेक्शन देखने को नहीं मिली थी बॉलीवुड मूवी को। और कल संडे था भाई साहब, संडे का ऑफिशियल आंकड़ा अभी तक नहीं आया है मेकर्स की तरफ से। जब आएगा तो इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी, फुल डे कैसी क्या ग्रोथ रही, मॉर्निंग से लेके एडवांस से लेके ओवरसीज से लेके सब में एंड ऑफ द डे तक, क्योंकि मेकर्स हर दिन ऑफिशियल हर डे का आंकड़ा डाल रहे हैं लेकिन अभी तक संडे का नहीं डाला है। लेकिन एक एजम्पशन आंकड़ा, एक अर्ली एस्टिमेट्स आंकड़ा हमारे पास है जो बहुत ही शानदार है। तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले कल कितनी कमाई करी वो तो आगे पता लग जाएगा। तो आज बात करेंगे अभी तक जवान ने कितनी कमाई करी है, आज पांचवें दिन में कैसी ग्रोथ चल रही है, कल अपने फर्स्ट संडे कैसा रहा मूवी का, फर्स्ट डे कितनी कमाई करी, टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकती है मूवी, सब चीजों पर बात करेंगे डिटेल टू डिटेल एक एक करके। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना अगर जवान से रिलेटेड लगातार बड़ी अपडेट चाहते हैं और SRK के डाई हार्ट फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जवान को पूरी दुनिया में पहले दिन 10,500 स्क्रीन्स पर रिलीज कराया गया था, जिसको साउथ के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर अटली कुमार ने डायरेक्शन दिया था। इनकी पहले भी और मूवी ब्लॉकबस्टर आ चुकी हैं जो विजय थालापति के साथ रही हैं, जिसमें से ठेरी और मर्सेल वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी थी। मूवी को लगभग 300 करोड़ के खर्चे पर कंप्लीट कराया गया था, जिसके मेन लीड पर आपको शाहरुख खान देखने को मिलेंगे और इसी के साथ SRK के मल्टीपल रोल्स भी देखने को मिलेंगे और हर रोल पर जितना फिट बैठना था अमेजिंग, इस चीज को बहुत ही सॉलिड तरीके से ध्यान पर रखा गया है। जबरदस्त सारे कैरेक्टर पकड़े SRK ने पहले तो, इसी के साथ सपोर्टिंग कास्ट अमेजिंग, नयनतारा और दीपिका ने भी कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, SRK का सुपर अमेजिंग साथ दिया है। उसके बाद प्रियमणि और सानिया मल्होत्रा ने भी सपोर्टिंग में जबरदस्त आग लगाई है और विलेन में फिर कहूंगा सुपर अमेजिंग, हर दिन बोल रहा हूँ, विजय सेतुपति उर्फ काली, व्हाट अ कैरेक्टर डिजाइनिंग बाय अटली कुमार। उसके बाद उस कैरेक्टर में जितनी जान भर देना, इस एक्टर में वो खासियत है, वो खूबी है, जिसने सॉलिड परफॉर्मेंस से जनता का दिल भी लूटा। फेबुलस वर्क डन बाय हिम। देखो ऐसा होता है ना कि मास मसाला फिल्मों में अक्सर स्टोरी लाइन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन जवान ने स्टोरी इज़ द मेन पार्ट, स्टोरी पर काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया है। शायद अगर ऐसी स्टोरी लाइन ना होती तो जवान को ये रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता जो हम हर दिन सुन रहे हैं कि 100 करोड़ जा रहा है आंकड़ा, 4 दिन में ही 500 करोड़ कवर कर लिया। तो सोशियो पॉलिटिकल मुद्दों पर भी बात उठाई गई है, करप्शन पर बात उठाई गई है और हार्श रियलिटी को दिखाया गया है, कैसे क्या करप्शन चल रहा है, कैसे क्या कहानी चल रही है देश के मुद्दों में, गरीबों को कैसे दबाया जाता है ना, बड़े बड़े उद्योगपतियों को हजारों करोड़ों का लोन माफ कर दिया जाता है लेकिन किसान को छोटे मोटे लोन्स पर उलझा के ऐसे नोचा जाता है कि उसे नीचे ही आना पड़ता है, मतलब हर बार उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ती है वरना नीचे गिरते जा रहा है, ऐसे टाइप के मुद्दे पर बात उठाई गई है। फुल मसालेदार एंटरटेनमेंट के साथ साथ बड़े मुद्दों पर भी काम किया गया है, ड्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट किया है। तो बाय गॉड मैं कह रहा हूं, अटली ने अगर यह डायरेक्शन ना दिया होता, अटली अगर ना होता तो इस मास मसाला एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी को हम बिल्कुल मिस कर जाते, ऐसी मूवी हमें देखने को ही नहीं मिल पाती दोस्तों। कंटेंट इज सुपर अमेजिंग, आपको मल्टीपल कैमियोज भी देखने को मिलेंगे और डायरेक्शन अटली कुमार इज सुपर फैंटास्टिक, मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत जबरदस्त काम किया है। साउथ के डायरेक्टर हैं तो साउथ का तड़का तो देखने को मिलेगा और वही मजेदार भी लगा। मूवी को आज पैन इंडिया रिलीज कराया गया है और मूवी ने पहले ही दिन से धमाका काट के रखा है आज पांचवें दिन तक। बाय गॉड, इसी के साथ पहले ही दिन से आज डे 5 तक कैसी क्या कमाई रही है, कैसी क्या ग्रोथ रही है, शुरू से चर्चा करते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट डे ह्यूज कलेक्शन किया था एंड मेक्स हिस्ट्री इन ओपनिंग डे इन इंडियन सिनेमा विद हिंदी सिनेमा। बाय गॉड, हिंदी से 65.5 करोड़ का कलेक्शन किया था और तमिल और तेलुगु से 9 करोड़ का कलेक्शन रहा अपने पहले दिन और टोटल तीनों लैंग्वेज को मिलाकर फर्स्ट डे पर 74.5 करोड़ का आंकड़ा टच किया था। इसी के साथ इस साल की जायंट पठान के डे 1 के रिकॉर्ड को खदेड़ रहा, साथ में हिंदी कलेक्शन से KGF 2, बाहुबली 2 इनको भी खदेड़ दिया, तो RRR को भी खदेड़ दिया। तो हिंदी में नंबर 1 ग्रॉसर कलेक्शन के मामले में जवान आ चुकी है।
तो ग्रॉस कलेक्शन कितना रहा फर्स्ट डे 90 करोड़, टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा फर्स्ट डे 129.60 अराउंड 130 करोड़ के आसपास। बात करें डे टू में कैसी ग्रोथ रही, तो फ्राइडे वर्किंग डे होने के बाद थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन अमेजिंग ग्रोथ रही। 47 करोड़ का कलेक्शन हिंदी से करा और मूवी ने तमिल और तेलुगु से भी अच्छी कमाई करते हुए तीनों लैंग्वेज को मिलाकर सेकंड डे पे नेट इंडियन कलेक्शन 55 करोड़ के आसपास टच किया था। ग्रॉस कलेक्शन सेकंड डे पे 70 करोड़ के आसपास रहा। इसी के साथ पूरी दुनिया से इस मूवी ने सेकंड डे में 107 करोड़ के आंकड़े को टच किया था बहुत ही आसानी से। बात करें फर्स्ट सैटरडे यानी डे थ्री में कैसी ग्रोथ रही, दोस्तों अमेजिंग ग्रोथ रही। अपने तीसरे दिन में पहले और दूसरे दिन के कलेक्शन रिकॉर्ड को भी खदेड़ दिया मूवी ने, जहां दोस्तों सिर्फ हिंदी से 68 करोड़ के आंकड़े को टच किया मूवी ने, तो इसी के साथ पहले तीन दिन के टोटल नेट हिंदी कलेक्शन 180 करोड़ को टच कर लिया था मूवी ने पहले तीन दिन में ही। और किसी का भाई किसी की जान के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी खदेड़ा, सर्कस और सेल्फी मूवी को तो खदेड़ा ही इसने अपने पहले तीन दिन में, सिर्फ हिंदी पहले तीन दिन के हिंदी कलेक्शन रिकॉर्ड से। पूरी दुनिया से डे थ्री में 144 करोड़ के आंकड़े को टच करने में सफल रही मूवी। इसी के साथ पहले तीन दिन का कलेक्शन पूरी दुनिया से 385 करोड़ के आसपास रहा था। जी हां दोस्तों, इंडिया सहित पूरी दुनिया में हाउसफुल का बैनर लगाकर जवान लगातार आगे बढ़ती जा रही है, और गदर 2 के फर्स्ट वीक कलेक्शन को अपने पहले तीन दिन के ही कलेक्शन से बीट डाउन कर दिया था। बात करें कल यानी डे 4 पे यानी फर्स्ट संडे में कैसी ग्रोथ रही, तो भाई साहब कल सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए मूवी ने। मॉर्निंग से ही हाउसफुल शोज के साथ फुल डे लगभग ओवरऑल 80% की ऑक्यूपेंसी के साथ जबरदस्त तांडव मचाया है थिएटर में। इसी के साथ मूवी ने देश के कोने कोने में सिनेमा घर में जबरदस्त ट्रेंड किया है। तो कल हिंदी से डे 4 पर अपने फर्स्ट संडे में एंड ऑफ द डे तक मिनिमम 72-75 करोड़ के आंकड़े को टच करने में सफल होते दिख रही है मूवी। डे 4 का आंकड़ा भी फ्लेक्सिबल है, जब ऑफिशियली मेकर्स के द्वारा फुल रिपोर्ट आ जाएगी तो डे 4 की स्पेशल सेपरेट वीडियो अलग से बना दी जाएगा, कैसी क्या ग्रोथ रही है फुल डे का कवरअप करेंगे उसमें। तो नेट इंडियन कलेक्शन से डे 4 में मूवी ने कितना कलेक्शन किया है, लगभग 80-82 करोड़ के आसपास स्ट्रांग होल्ड करते दिखी है मूवी कल एंड ऑफ द डे तक। इसी के साथ पूरी दुनिया से कल एंड ऑफ द डे तक 150 करोड़ के आंकड़े को टच करते नजर आ रही है, टच नहीं क्रॉस करते नजर आ रही है एंड ऑफ द डे तक। इसी के साथ कल एंड ऑफ द डे तक पहले चार दिन में पूरी दुनिया से 530 करोड़ के आंकड़े को ना कि सिर्फ टच कर रही है बल्कि क्रॉस करते नजर आ रही है। मैं फिर कह रहा हूं, डे 4 का ऑफिशियल रिपोर्ट अभी आई नहीं है, आएगी तो पता लग जाएगा। हो सकता है ये आंकड़ा पहले चार दिन का 540 करोड़ हो जाए, मे बी, बट अभी मिनिमम 530 करोड़ के आसपास मान के चल रहे हैं कल एंड ऑफ द डे तक। बात करें आज यानी डे 5 में कैसी ग्रोथ है, तो यस आज मंडे वर्किंग डे होने के कारण ग्रोथ तो स्लो देखने को मिल रही है। फुल डे ओवरऑल 35-38% की ऑक्यूपेंसी के साथ मूवी इवनिंग और नाइट में आज भी हाउसफुल बैनर के साथ लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन आज मंडे में भी ऐसी ग्रोथ कर रही है जो कई बार नॉर्मली बॉलीवुड की फिल्मों का फर्स्ट डे कलेक्शन होता है इससे भी कम होता है, ऐसी ग्रोथ करते नजर आ रही है मूवी। एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 25 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। इसी के साथ पहले पांच दिन में ही आज एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 300 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी मूवी, और पूरी दुनिया से आज भी एंड ऑफ द डे तक लगभग 50-55 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम करते नजर आ रही है मूवी, और पहले पांच दिन में पूरी दुनिया से आज 580 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी या मे बी 600 करोड़ के आंकड़े को भी हिट कर जाएगी, क्योंकि कल संडे की ऑफिशियल रिपोर्ट अभी नहीं आई है। मैं फिर कह रहा हूं आएगी तो शायद मुझे लग रहा है कि 600 करोड़ के आसपास ये टच कर जाएगी। इसी के साथ जवान बहुत कम समय में 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी, फिर 200 करोड़, फिर 300, फिर 400, फिर 500 करोड़ जो कल कर चुकी थी, और 600 करोड़ के क्लब में एंट्री मारते दिख रही है बहुत ही कम समय में, और बिगेस्ट ग्रॉसर बन के उभर रही है सिर्फ 5 ही दिनों में। इसी के साथ पठान के तो सारे रिकॉर्ड जवान ने पहले ही तोड़ दिए, बाहुबली 2, KGF 2, RRR, इनके भी रिकॉर्ड हिंदी कलेक्शन से पहले ही तोड़ दिए, और इंडियन कलेक्शन के मामले में नंबर 1 मूवी बन के उभर रही है हिंदी कलेक्शन के मामले में, और बॉलीवुड में हिस्ट्री तो क्रिएट इसने कर ही दी है। तो अब आप लोग ये बताएंगे ऐसे में जवान टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकती है, क्या 1500 करोड़, या फिर 1800 करोड़, या फिर 2000 करोड़, क्योंकि जिस हिसाब से ग्रोथ कर रही है बाय गॉड 1500 करोड़ इजी नंबर लग रहा है, और 1000 करोड़ तो ये डेफिनेटली करके ही जाएगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पुटअप करते हैं कि 1000 करोड़ क्या मूवी पहले तो 10 दिन का रख रहे थे, क्या 8 दिन में 1000 करोड़ कंप्लीट कर जाएगी, और पठान के लाइफ टाइम कलेक्शन को ये 8 दिन में ही खदेड़ देगी जवान, ये आप लोग बताएंगे फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी मूवी रूबी और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।